ये ऐसा है कि रेलवे रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत लंबे समय से राजनीतिक दलों के कई राजनीतिक दलों के लोग बार बार ये प्रश्न उठाते रहे हैं कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं बरती गई थी, और जब पारदर्शिता नहीं बरती गई थी तो उसमें बहुत घालमेल हुआ था और बहुत से लोगों ने बहुत जगह कंप्लेन किया था। तो हमको लगता है कि ये जो छापेमारी हो रही है, जो हमें जानकारी है, वो रेलवे रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है छापेमारी। तो सीबीआई को कुछ साक्ष्य मिला होगा या सीबीआई के पास कुछ तथ्य मिले होंगे जिसके प्रिलिमिनरी केस दायर किया होगा और छापेमारी कर रहा होगा, जाँच करेगा। और अगर आरजेडी के लोगों को लगता है कि सीबीआई जो है वो पारदर्शिता उसकी नहीं है, तो कोर्ट में जाके अपने रिलीफ के लिए डिमांड कर सकता है। लेकिन शिवानंद तिवारी का एक बयान है, लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।